हेलो एवरीवन ये एक छोटी सी सीरीज होगी जिसमें मैं आप लोगों को रैंडम पेजेस जो कि मैंने तैयार किए थे अपनी प्रेपरेशन के टाइम पे उनके बारे में बात करूंगा और ये आप लोगों को हो सकता है कि ये एमसीक्यूज में भी आप लोगों की मदद करेंगे और क्योंकि ये रैंडम टॉपिक्स हैं तो आप अपना नॉलेज भी इसमें चेक कर सकते कि आपको कौन कौन सी चीजें इसमें आती है जो नहीं आती हैं आप भी इस तरह से नोट डाउन कर सकते हैं चलिए शुरू करते Ottawa राइमा के बारे में आप क्या जानते हैं Ottawa, the, Ottawa राइमा वॉज फर्स्ट यूज इन इंग्लैंड इन अर्ली सिक्स सेंचुरी बाय सर थॉमस वाइट ये ऑटोवा के बारे में एक फैक्ट है कि जो सिक्सटीन सेंचुरी में आ, यूज किया गया था सबसे पहले सर थॉमस वाइट के द्वारा सेवरल अटैक ऑफ प्लेग इससे हमें याद आना चाहिए कि ब्लैक डेथ जो थर्टीन में होती सेवरल अटैक ऑफ प्लेग था कि जो काफी प्लेग उस टाइम पे फे फैला था उसी का नाम ब्लैक डेथ है इंग्लिश uh, हम कह सकते हैं लिटरेरी हिस्ट्री में हुज फॉलोवर्स आर नोन एज लॉलार्ड ये कॉलार्ड नहीं है लॉलार्ड है ये एल है तो जॉन वाइकलिव के जो भी फॉलोवर थे फोर्टीन सेंचुरी में उन्हें लॉलार्डस कहा जाता है मेटाफिजिकल पोइट्री जो सबसे ज्यादा एसोसिएटेड मानी जाती है वो मानी जाती है जॉन डन के साथ मेटाफिजिकल पोइट्री इज एसोसिएटेड विद जॉन डन रेप ऑफ द लॉक इज मॉडल्ड आफ्टर जो रेप ऑफ द लॉक है वो किस पर मॉडल्ड है ला सेचाई रेपिटा ये इट इज ग्रीक नेम बट इट्स इंग्लिश वर्जन इज स्टोलन बकेट स्टोलन बकेट इसका इंग्लिश नाम है शैली इज चीफली नोन एज क्रिटिक फॉर हिज वर्क अ डिफेंस ऑफ पोइट्री अगर शैली का जो हम कहें कि किटिक वर्क जो था वो कौन सा था डिफेंस ऑफ पोएट्री वो किसके आंसर में वो रिप्लाई किसका था वो रिप्लाई था पोएट्री बाय थॉमस नाउ वी विल सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस वन दिस पेज पेरिपेशिया और एनेग्नोरिस तो ये दोनों चीजें क्या होती है इसके लिए मैंने एक सीरीज शुरू किया अपने चैनल पर ऑलरेडी वी हैव डन मोर देन थर्टी लिटरेरी टर्म्स तो अभी हमने ए लेटर से रिलेटेड सारे कर चुके हैं हम अगर आप लोग देखना चाहते हैं वीडियोस तो आप देख सकते हैं चेकआउट दोज पैरिपेशिया का मतलब होता है फॉल और एनाग्नोरिस का मतलब होता है रिकॉग्निशन ऑफ फॉल कि जो ड्रामा में जो भी कंडीशन हो सिचुएशन हो किसी कैरेक्टर की तो वो अगर फॉल होता है उसकी लाइफ में तो अगर हमें पता चलता है उसके बारे में तो वो पॉइंट एनाग्नोरिस कहा जाता है और जो फॉल होता है उसे पेरिपेशिया कहते हैं कोरस कोरस हु स्पीक्स द एंड एपिलॉग ये हमें पता है जेकोबियन एज जेकोबियन एज इज कॉल्ड यू नो इट इज द एज ऑफ जेम्स फर्स्ट इट वाज बिटवीन 1603 जीरो थ्री टू सिक्सटीन जेम्स फर्स्ट को ही जेको जेकोबस बोला जाता है इसीलिए इसको जेकोबियन एज भी कहा जाता है क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार क्लियर नहीं हो पाता कि हम इसे जेकोबियन एज क्यों कहते हैं कैरलिन एज भी कहा जाता है कुछ नाम लिखे हुए प्रैक्टिस के लिए ये आप लोग भी अगर आप लोगों को ना पता हो तो आप इस तरह से ये एक तरह की प्रैक्टिस है एक्सरसाइज है जैसे कि मैं यूजली करता था कि अगर मुझे एक पूरा जो जैसे मुझे मॉडर्न एज अगर मुझे याद करनी है तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा कि उस मॉडर्न एज से रिलेटेड जितने भी राइटर्स मैं पता कर सकता हूं उनको पूरी एक लिस्ट बनाऊंगा और उनके नाम बहुत अच्छे तरीके से उनकी किसी फेमस बुक के साथ याद कर लेता था उससे मुझे ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स याद होते थे आप लोग भी ये कर सकते हैं ना नेक्स्ट वन ओके दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो अगले वीडियो में हम करने जा रहे हैं ये वाला हमारिया एंड अदर थिंग्स वी कैन गो थ्रू दिसट सो hopefully your lockdown is going well and you are prepared, doing preparation for your upcoming exams and keep on practicing because uh, we can utilize this time for our studies and for preparation for better preparation thank you for watching bye bye take care see you in next video